प्यारे दर्शकों, हमारे YouTube के इजी लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे YouTube की जो मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक क्रिएटर हो और अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन को एक्टिव करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आइए जानते हैं जो YouTube की नई मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन को एक्टिव करना चाहते हो तो आपको लास्ट 12th मंथ में 4000 वॉच आवर चाहिए और इसके साथ ही आपको चाहिए होंगे 1000 सब्सक्राइबर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे चैनल पर जो है मेरे पास 1689 जो है सब्सक्राइबर है। तो जो मेरी एक शर्त है वो यहां पर पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं आपके हमारे पास 3827 आवर का जो है वॉच टाइम है, जो कि 4000 से कम है। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि YouTube को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि पहले 10000 व्यूज होने पर मोनेटाइजेशन जो है शुरू हो जाती थी, तो इसका फायदा उठाकर YouTube पर बहुत सारे अनवांटेड पीपल आ गए और व्यू बढ़ाने के चक्कर में वे किसी भी किस्म का जो मटेरियल था YouTube पर अपलोड कर देते थे। तो इस वजह से YouTube पर बहुत सारा कचरा जो था वो भर गया। तो ऐसे में बहुत सारे जो एडवर्टाइजर थे वो YouTube से दूर हट गए। उन्होंने कहा कि वो ऐसी किसी भी वीडियो पर एड नहीं लगाएंगे जो कि किसी भी काम की नहीं है। तो इस तरह YouTube को मोनेटाइजेशन के बारे में जो है नई पॉलिसी जो है उसको लेकर आना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन शुरू हो तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो वीडियो है वो अपने चैनल पर डालते रहना चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए और ऐसे जल्दी ही जो आपके चैनल पर है मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेहनत करें, अपने आप पर भरोसा रखें और एक ना एक दिन आपके चैनल पर जो मोनेटाइजेशन है वो शुरू हो ही जाएगी। सो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।